तो एक पुस्तक आज से 10 साल पहले मैंने पढ़ी थी और उस पुस्तक का मेरे ऊपर बड़ा गहरा इम्पैक्ट हुआ। उस पुस्तक का नाम है अखंड भारत। पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे। आप में से अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कौन है? ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं क्या आप में से कोई? हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक किताब लिखी है उन्होंने, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, बड़ी फेमस बुक है उनकी, सिंह एंड सप्रे नाम से आती है। इत्तेफाक से मेरे प्रोफेसर भी रहे हैं उन्होंने, मेरे डिपार्टमेंट में तो नहीं लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट में उस समय प्रोफेसर थे। उन्होंने पुस्तक लिखी थी अखंड भारत, पतली सी किताब है, और वो पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए। उसमें तीन परिभाषाएं दी थी, वहां से मैं बात शुरू कर रहा हूँ। जो पहली परिभाषा दी गई थी, हिंदू एज अ धर्म, हिंदू एज संस्कृति और हिंदू एज नेशनैलिटी। तो जब हम हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं तो सबसे मजे की बात है कि हिंदू एज अ मजहब, हिंदू एज अ रिलीजन, हिंदू एज अ पंथ, इस बारे में कभी बात ही नहीं करते क्योंकि हिंदू रिलीजन, मजहब, पंथ नहीं है। लेकिन जहां पर भी हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ वो तीन जगह हो सकती है। इस्तेमाल करने वाले ने या तो उसे हिंदू एज धर्म कहा, अभी मैं धर्म पर बात करूंगा, हिंदू एज संस्कृति कहा, या हिंदू एज नेशनैलिटी कहा। तो धर्म से मैं बात शुरू करूंगा। पहले तो आप अभी जो आपके दिमाग में धर्म की परिभाषाएं हैं उनको आप एक साइड रख दीजिए और धर्म को बिल्कुल आप सूक्ष्म लेवल पर जाकर सोचिए कि जब हम कहते हैं धर्म, इसका ये धर्म है, जब पुत्र को कहते हैं कि तुम्हारा ये धर्म था, जब अगर आप पूरी की पूरी महाभारत देखो तो बी.आर. चोपड़ा साहब ने पूरी महाभारत केवल धर्म पर आधारित रखी। विष्णु पितामह बता रहे हैं कि मेरा ये धर्म है, अर्जुन कह रहे हैं मेरा ये धर्म है, कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन वर्तमान में तुम्हारा ये धर्म है। तो जब धर्म को इस पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो धर्म की परिभाषा हम नहीं कह रहे, वो इनकी अंग्रेजों की डिक्शनरी कह रही है। धर्म का मतलब है एटर्नल लॉ ऑफ यूनिवर्स। एटर्नल लॉ ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का शाश्वत नियम। यदि मैं आपसे बोलूं कि अग्नि का क्या धर्म है, तो अग्नि का धर्म है कि यदि वो किसी को जाकर लग जाती है तो उसे जला देती है, उसका तापमान बढ़ा देती है। वायु का क्या धर्म है, तो आप बताएंगे वायु का धर्म तो साफ रहना है, वायु का धर्म तो जो श्वसन है। जल का क्या धर्म है, ऐसे मानवों का भी एक धर्म है। आप सब में से आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबने सुना होगा, सुना है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिजिक्स में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो वो आइंस्टाइन थ्योरी क्यों है, वो उसका नाम किसका नाम बज रहा है? मेरा तो नहीं बज रहा, वापस आ जाए, कोई बात। और मानवों का धर्म क्या है बताइए? मानवों के धर्म का नाम है मानवता। क्या नाम है? तो फिर सर इसे हिंदू धर्म क्यों कहने लगे? क्योंकि मानवतावादी धर्म के बारे में बताने वाले वो लोग थे जो हिंद देश के वासी थे, इसलिए उस धर्म को क्या कहा जाने लगा? हिंदू धर्म। तो पहले तो आज को जो एक डाउट आया था, किसी ने पूछा था कि हम धर्म को राष्ट्र से ऊपर कैसे रखें। तो जब आपसे कोई कहता है कि आप अपने धर्म को राष्ट्र के ऊपर कैसे रख सकते हैं, तो आप कहना कि धर्म का मतलब क्या? धर्म का मतलब पूजा करने का तरीका नहीं, धर्म का मतलब कोई डोगमा नहीं, कोई ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम नहीं, धर्म का मतलब मानवता। जब हिंदू ये कहते हैं कि हम अपने धर्म का पालन करेंगे, तो हिंदू ये कहता है कि मैं मानवता का पालन करूंगा। अब मुझे लगता है कि वो जो मन में प्रश्न आ रहा था कि मानवता को राष्ट्र के ऊपर रखना या नहीं, वो मेरे ख्याल से अब आपका स्पष्ट हो गया होगा। तो जब एक हिंदू कहता है कि मैं अपने धर्म को राष्ट्र से ऊपर रखता हूं, तो हमारा मतलब होता है कि मैं मानवता को राष्ट्र से ऊपर रखता हूं। अब यह दूसरा विषय आता है, और विषय आता है कि इस्लाम भी तो यही कहता है। अब इस्लाम एक पंथ को ऊपर रखने के लिए कहता है, और जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक कविता भी लिखी थी। मेरे घर में सावधान के प्रचारकों का आना जाना था, मेरे पिताजी कार्यक्रम का थे, तो क्योंकि हम सब एक हिंदू परिवार में हमारा जन्म हुआ तो हम मूल रूप से सबके सब लिबरल होते हैं, उदार होते हैं, हमारे रक्त में उदारता होती है। तो जब मेरे घर पे हिंदू और इस तरह की बातें होती थी तो मेरे मन में प्रश्न आते थे। तो
मैं हमेशा इसी बात में, मुझे ये मैं बात कर रहा हूँ आठवीं नवीं दसवीं कक्षा के आसपास, शाखा भी जाता था, लेकिन मन में प्रश्न वो बना रहता था कि यार ये हिंदू क्यों बोलते हैं, ये इस्लाम को क्रिश्चियनिटी को क्यों कंसिडर नहीं करते। एक फिर वो बचपन से हमारी किताब में स्कूल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है ना, तो ये जो मल्टीकल्चरलिज्म और ये जो टू नेशन थ्योरी टाइप की बकवास हमारे दिमाग में घुसाई गई। वो जो बात आज सुबह भाई साहब ने बोली कि इन्होंने जोड़ा नहीं, इन्होंने तोड़ा, अभी हम बात करेंगे उस पर। ये नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, वेस्ट से चुराया हमने, उनकी मजबूरी थी सेकुलरिज्म, हमारी मजबूरी नहीं है सेकुलरिज्म। अब आप कहेंगे हमारी मजबूरी सेकुलरिज्म क्यों नहीं है। अभी आपको पता होगा सन 2018 में संघ के सरसंघ चालक जो थे उन्होंने विजयादशमी के कार्यक्रम में एक जिक्र किया था, अगर किसी को याद हो, उन्होंने कुछ चर्च के बारे में बोला था कि लिंचिंग के बारे में कुछ उन्होंने बोला था और बड़ा उस पर लोगों ने प्रतिक्रिया किया था। तो उन्होंने बोला था कि ये जो लिंचिंग कल्चर है इसका श्रेय भारत को मत दीजिए, भारत का कल्चर नहीं, ये लिंचिंग कल्चर तो क्रिश्चियनिटी से आया है। और उन्होंने क्रिश्चियनिटी भी नहीं बोला था, उन्होंने क्रिश्चियनिटी तो एक बार को फिर भी प्योर हो सकती है, ये चर्चियनिटी से आया है। तो उन्होंने एक नई टर्म कॉइन की थी चर्चियनिटी। आप समझ रहे होंगे चर्चियनिटी का क्या मतलब है ना। तो मैं तो पहला शब्द मैंने बताया हिंदू ऐसा धर्म, तो जब मैं कहता हूँ हिंदू धर्म तो मैं बात करता हूँ मानवता की, मैं बात करता हूँ अयम निजा भरो विधि गणना लघु चेत साम उदार चरित्र नाम तो उसने, मैं बात करता हूँ सर्वे भवतु सुखिना सर्वे संतु निरामया की, मैं बात करता हूँ कृणवंतु विश्वमार्ग की। तो ये सारी बातें पहली बार दुनिया को क्या आज भी आप पढ़ते हैं, कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आप कभी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके जब आप चीजें ऑब्जर्व करते हैं तो आपके मन में कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो हमने कहा प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो, अब ये कोई छोटी मोटी बात है, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, बहुत बड़ी बात है। तो हिंदू धर्म जब बोले तो मतलब मानवता, तो जब एक हिंदू कहता है कि मेरा धर्म सर्वोपरि है तो वो कहता है कि मैं मानव हूं और मेरा पहला धर्म मानवता है। फिर दूसरी बात आती है हिंदू संस्कृति, तो संस्कृति को लेकर भी एक बड़ा कंफ्यूजन है। जब भी हम बोलते हैं संस्कृति ना, तो कुछ ऐसे वामपंथी लोग आते हैं, अरे यार तुम्हारी तो संस्कृति बची नहीं यार, वो देखो तुम ये कागज बोलते हुए तुम्हारा शब्द नहीं है, पजामा पहनते हुए तुम्हारा है नहीं, ये जितनी बाजियां आई है तो सब मुगल लेकर आए थे, आतिशबाजी कलाबाजी, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि मतलब रहन सहन खान पान और पूर्वजों को मिक्स करते, जब मैं बात करूं जब मैं बात करता हूँ संस्कृति की, तो मैं बात करता हूँ मेरे इतिहास की, मैं बात करता हूँ मेरे पूर्वजों की। मैं रहन सहन बदल सकता हूँ, खान पान बदल सकता हूँ, बल्कि आज शाम से मैं ये भी कह सकता हूँ कि भैया मैं बुत परस्ती नहीं करूंगा और मुझे तो साहब ऊपर से मैसेज आ गया और आज से जो है मैं ठीक है, तो क्या मेरे पिताजी का नाम बदल जाएगा, दादाजी का नाम बदल जाएगा, मेरे पिताजी का नाम प्रमोद है तो क्या पीटर हो जाएगा, प्रमोदुल्ला भी नहीं होगा। अरे भाई तुम्हारे अंदर रक्त है शिवाजी राणा प्रताप का, ये तुम्हारी संस्कृति। तो जब मैं कहता हूँ हिंदू संस्कृति, तब मैं बात करता हूँ मेरे पूर्वजों की। ठीक है आपको भाई, हमने आपको, आप समझिए कि विश्व में आप तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि जब सब लोग अपना अपना डॉगमा डॉगमा समझते हैं ना, डॉगमा कितने लोग समझते हैं, हाँ डॉगमा का मतलब होता है ब्लाइंड बिलीफ है ना, ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम, आप बंद करके नहीं साहब, मैसेंजर आया था और उसने आके बताया था, और जिसमें तर्क नहीं होता, जिसमें युक्ति नहीं होती, जिसमें लॉजिक नहीं होता है ना, वो डॉगमा है। वो सुबह भाई साहब ने सुबह बताया था, आपने सुना था एक डॉगमा है ना, कि उनका पैर पड़ गया था वहां पर और ऐसा हो गया, दिस इज डॉगमा। तो जब मैं कहता हूँ हिंदू संस्कृति, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ अपने पूर्वजी की। तो क्या कोई व्यक्ति अपनी पंथ बदल के, पूजा पद्धति बदल के, वे ऑफ वर्शिप सब एक 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 जैसी चीजें, आप इनको चाहे तो आप समझ ले, सारे सिनोनिम्स हैं, पंथ पूजा पद्धति वे ऑफ वर्शिप मजहब ये सब एक जैसी चीज है। और फिर अगर कोई कहता है हिंदू भी तो एक पूजा पद्धति है, तो उस पर आपको पेट पकड़ के हंसना चाहिए, क्योंकि आप समझिए शाक्त अलग है, शाक्त शक्ति की पूजा करते हैं, उनका पूजा करने का तरीका बिल्कुल अलग है, शैव अलग है, वैष्णव अलग है, कविपंथी अलग है, ब्रह्म समाजी अलग है, आर्य समाजी अलग है, प्रार्थना समाजी अलग है, चार्वाक की थ्योरी को मानने वाले लोग अलग है, ओशो को मानने वाले अलग है, तो ये सब हिंदू नहीं है क्या। इतनी अलग अलग पूजा पद्धति होने के बाद भी अगर सब हिंदू है, तो इसका मतलब है कि हिंदू कोई पूजा करने का तरीका तो नहीं है।
तो दूसरा शब्द मैंने बताया, जब मैं कहता हूँ हिंदू संस्कृति तो इट इज नॉट अबाउट रहन सहन, इट इज नॉट अबाउट खान पान, इट इज नॉट अबाउट पहनावा, इट इज अबाउट पूर्वज, इतिहास। मेरे पूर्वज कौन थे, मैं किनका वंशज हूं, किन्होंने ये भूमि मेरे लिए छोड़ी। ये भूमि समझते हैं ना, कभी अंदाजा लगाइए। मैं अपने विद्यार्थियों से कभी कभी बोलता हूँ, बोलते हैं साइंस सब कुछ है और ऐसा है वैसा है सब बात बोलते हैं, लेकिन आप सोचिए अगर हमारा भूगोल बदल दिया जाए तो हमारे क्या हाल होंगे, अगर हमें निर्वासित जीवन जीना पड़े तो हमारे क्या हाल होंगे। ये मैं हिम्मत मानता हूँ यहूदियों की, 1750 साल निर्वासित जीवन जीने के बाद अगर अपना देश बना रहे, ये कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, अगर हमें 1750 साल दूसरे देशों में रहने के लिए भेज दिया होगा तो हम वापस नहीं आते। और ध्यान रखिए जो देश जितना बलिदान से बनता है ना उतना ही मजबूत होता है। हमारे यहाँ फिजिक्स में थ्योरी आती है बाइंडिंग एनर्जी, जब आप एटम के अंदर न्यूक्लियस पढ़ते हैं ना तो जितने भी न्यूक्लियस है ये सबके सब नाभिक न्यूक्लियस खूब सारी एनर्जी रिलीज करके बने थे। और जानते हैं कौन सी एनर्जी रिलीज की थी इन्होंने, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये सब अपना मास कम करके बने थे। मास यानी कि द्रव्यमान, यानी कि जब आयरन न्यूक्लियस बना था तो उसने अपने द्रव्यमान की भेंट चढ़ाई थी। इट इज जस्ट लाइक जब इजराइल बना पूरे देश से लोग इकट्ठे हुए, अपनों को छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा और इकट्ठे हुए। अब जाके कोई बोले इजराइल को कि ये पकड़ो 200 करोड़ रुपए 300 करोड़ रुपए, ये पकड़ो $500 $1,000 $5,000 पकड़ो और ये जगह खाली करो, पक्का मेरे लिए छोड़ो, करेंगे क्या वो खाली? हाँ जी पाकिस्तान कर सकता है ऐसा, कल कर देगा, आप सही कीमत लगाओ, क्योंकि वो अटल जी कहते हैं ना तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम क्या जानो स्वतंत्रता क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत पड़ी चुकानी है ना। तो सबसे पहली बात मैंने बताई, तो दूसरी बात संस्कृति, जब मैं कहता हूँ संस्कृति तो संस्कृति यानी कि राम, संस्कृति यानी कि कृष्ण, संस्कृति यानी कि विवेकानंद, संस्कृति यानी कि चाणक्य। एक और थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई बार हमारे सामने अशोक का नाम भी दे दिया जाता है। आप देखिए कितनी अजीब बात है कि जिस चंद्रगुप्त का नाम सुन के सिकंदर वहीं से डर रहा है, जिस चंद्र मतलब आप समझिए यूनानी सिपाही वहीं से डर रहे हैं, वो महान नहीं हुआ लेकिन अशोक महान हो गए, चाणक्य महान नहीं हुआ। देखिए अच्छा अशोक के बाद सीधे कौन महान हुए, गांधी जी महान हुए, इस बीच में कोई महान नहीं हुआ, विवेकानंद महान नहीं हुए, सावरकर महान नहीं हुए, अशोक के बाद सीधा गांधी जी, क्यों? क्योंकि वो जो नॉनसेंस है ना, आप अभी किसी मैं गांधीवादी लोगों से मिलता हूँ और मुझे कहते हैं साहब कि हम तो गांधी जी को बहुत मानते हैं, मैंने कहा तो झापड़ दो अभी, दूसरा करोगे आगे, करोगे क्या वो आगे, नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है ये मूर्खता है। लेकिन फिर गांधी जी ने ऐसा ही जो क्यों फेंका, क्योंकि गांधी जी के काल में गांधी जी को पता था कि कुछ अलग करोगे तो लोग लिफ्ट देंगे, भारत की जनता को कुछ नया चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब केजरीवाल भी बिल्कुल उसी एग्जाम्पल है, आप कुछ नया कर दीजिए, देखिए पागल हो जाए भाई साहब, अशोक ने हथियार गिरा दिए, अशोक महान क्या हुआ गुप्ता वंश का, हो सकता है कि अगर अशोक ने हथियार ना गिराए होते तो आज भी हमारे देश में गुप्त वंश का शासन होता और आज की व्यवस्था से लाभ होना अच्छा था गुप्त वंश का शासन, मौर्य की बात करो मौर्य वंश का शासन होता। तो अशोक के बाद धीरे 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 गिरते गए, भरतृत्व मौर्य के बाद आने के बाद पुष्यमित्र शुंग को हथियार उठाना पड़ा और पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। तो अच्छा उस समय भी आप समझिए, आपको बौद्ध और औदिक वाली पूरी कहानी सबको पता होगी कि जब अशोक आए तो अशोक को पहले राजा थे जिन्होंने राजा के पैसे से राजा के खजाने से एक मत विशेष का पंथ विशेष का प्रचार किया। उससे पहले राजसी कोष से किसी ने कभी किसी मत विशेष का किसी पंथ विशेष का प्रचार नहीं किया। पहले कौन थे? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कौन से पैसे से किया? राजसी कोष से किया और धीरे 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 करके मौर्य वंश समाप्त हो गया। तो जब मैं कहता हूँ संस्कृति तो मेरे मुंह पे अशोक का नाम नहीं आना चाहिए, अकबर का तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, है ना, हमारे मुंह पे नाम आना चाहिए शिवाजी का, राणा प्रताप का। फिर आता है हिंदू एज नेशनैलिटी, तो हिंदू एज नेशनैलिटी ये वाली बात भी चलती है कि भैया सिंधु नदी के नीचे और हिंद महासागर के ऊपर रहने वाले सभी लोग हिंदू, ऐसा ना, या उत्तरम या समुद्र से हिमादृश्यम दक्षिणम
वर्षम तक भारतम नाम भारतीय संत थी। हिमालय के नीचे और हिंद महासागर के ऊपर रहने वाले सारे लोग कौन हो गए? हिंदू हो गए। तो ये हमने हिंदू एज अ क्या बोला, हिंदू एज अ नेशनैलिटी, ये हमारी क्या है, राष्ट्रीयता है। जैसे अफगानिस्तान का वासी अफगान, तुर्किस्तान का वासी तुर्क, ऐसे हिंदुस्तान का वासी हिंदू, ऐसे भी हम हिंदू शब्द को लेते हैं। तो ये तीन शब्द मैंने आपको बताए, जब हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाए धर्म की तरह, संस्कृति की तरह और राष्ट्रीयता की तरह, तो हमें ऐसे लेना है। और हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर हर जगह इस बात को लोगों को समझाना है कि यू कैन नॉट कंपेयर हिंदू एंड मुस्लिम। ये ठीक ऐसा है जैसे आप मैंगो और पंखे को कंपेयर कर रहे हैं, टाइप ही अलग है, वैरायटी ही अलग है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी। हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व, तो अभी एक नई पॉइंट आ गई है, नई टर्म कॉइन की है इन्होंने, हिंदुइज्म। और जितने भी बड़े बड़े लेखक है वो सब इस हिंदुइज्म का क्या कर रहे हैं, बोले नहीं भाई हिंदुइज्म नहीं बोला, हिंदुत्व बोला, दोनों अलग अलग काम से, दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, आप हिंदुत्व की जगह कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बोलिए हिंदूनेस। जब मैं बोलता हूँ हिंदुइज्म तो ना उससे वो वाली फीलिंग आती है कि भैया ये कोई ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम है, पूजा करने का तरीका बताएंगे, ऐसी पूजा करनी है, इन वाले देवताओं को मानना है, इनको नहीं मानना है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ हिंदुत्व तो व्हाट इज हिंदुत्व, तो हिंदुत्व को कुछ साल पहले डिफाइन किया गया कि एक हिंदू का आपत धर्म है हिंदुत्व। आपत धर्म यानी कि जब इस पर आपदा आएगी, विपदा आएगी, तब इसकी रक्षा करने के लिए जो धर्म होना चाहिए वो हिंदुत्व है। तो सर ये कब तक रहेगा हिंदुत्व? जब तक आपदा रहेगी। जब आपदा टल जाएगी फिर हिंदुत्व अपने आप विलीन हो जाएगा, समाज में विलीन हो जाएगा। फिर दोबारा आपदा आएगी तो हिंदुत्व की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको कुछ साल पहले डिफाइन किया गया कि ये हिंदू समाज का आपत धर्म है। तो जब हम हिंदुत्व बोले तो हिंदुत्व की जगह हिंदुइज्म ना बोलना, हिंदुइज्म रिलीजियस काम लगती है इसलिए उसे थोड़ा सा अवॉइड करना। सुबह वैसे भाई साहब ने इसको क्लियर किया था, ये मेरे पास हिस्ट्री ऑफ हिंदुत्व है। मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हिंदुत्व की हिस्ट्री। तो हमारे पास सबसे पहले स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद का नाम आता है, ऑलमोस्ट कंटेम्पररी थे दोनों, और दोनों का अपना अपना तरीका था। स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद में अगर स्वामी विवेकानंद की बात करूं तो स्वामी विवेकानंद का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने ढोल बजाया, उन्होंने युवाओं पर तरुणाई पर बात की, उन्होंने देश समाज पर बात की, उन्होंने एक सन्यासी होते हुए एक प्रचारक का धर्म निभाया। लेकिन जब मैं स्वामी दयानंद की बात करता हूं तो आप सबने जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि आप सब इंटर रिलीजियस स्टडीज में बहुत इंटरेस्टेड है, तो एब्रामिक रिलीजन या जितने भी सेमिटिक रिलीजन हैं इन सब के धज्जियां उड़ाने वाले आदमी थे स्वामी दयानंद। आप जब सत्यार्थ प्रकाश उठाएंगे उसमें 14वां समुल्लास पढ़ेंगे, केवल आप स्पेसिफिकली 14वां समुल्लास पढ़िए, तो आपको वो तर्क के आधार पर इस्लाम, यहूदी और ईसाई इन तीनों के जो रिलीजियस चीजें हैं उनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उस टाइम पर इतना खुल के किसने बोल दिया। साथ के साथ स्वामी दयानंद ने एक काम और किया और वो थी हमारी आत्मशुद्धि। क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, बच्चों का टेम्परामेंट समझता हूं, ये आप सबको भी समझना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी को आप धूम धतूरे देकर कन्विंस नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। या तो आप उसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मत पढ़ाइए, दूर रखिए उसे साइंस से, लेकिन अगर आपने उसके दिमाग में साइंस डाल दिया तो जो इनिशियल आपकी बातें हैं वो तो उसे लॉजिकल लगनी चाहिए। इस बात से सहमत हूं कि जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो जागृति है, जो स्थूल लेवल पर जाकर आप आत्मा की बात करते हैं उसे साइंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वहां तक जाएगा कैसे हो? वो तो अभी यही मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो हमारा बेस है वो थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा साइंटिफिक है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम अपने बच्चों से बात करें तो स्वामी दयानंद का भी थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको इस्लाम मैंने बताया 14वां समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश, उसे जरूर पढ़े आप, वो आपके इंटर रिलीजियस स्टडीज में बहुत बढ़िया आपको कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद महर्षि अरविंद के बाद ये प्री इंडिपेंडेंस वाला काल आया, और प्री इंडिपेंडेंस वाले काल को जो सुबह बताया वो डार्क एज था, क्योंकि वो जो बात बोली ना कि गांधी जी ने कहा कि हिंदू एक है, मुसलमान एक है, चलो मिलकर आओ यूनिटी करें,
है ना, पहले उन्होंने 7 सूत्रीय मांगे रखी, फिर 13 सूत्रीय मांगे रखी, पहले बोले कि भाई साहब हिंदी को नहीं मानेंगे, पता है आपको ये सारी बातें पता है, हिंदी को नहीं मानेंगे, इसमें आप उर्दू के शब्द बनाओ और एक नई बोली बनाओ हिंदुस्तानी। बोले राणा प्रताप और शिवाजी को नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि राणा प्रताप और शिवाजी मुगलों के खिलाफ लड़े। अरे भाई मुगल तुम्हारे कौन से पिताजी थे? नहीं, वो एक पिक्चर आई थी बहुत पहले नाना पाटेकर वाली, जिसमें वो नाना पाटेकर कलम वाली भाई डिम्पल कपाड़िया रहती है, वो एक पत्थर लेता है, पत्थर लेके जाके कहता है और अपने हाथ में मारता है ऐसा, ये देख लो आप, ये देखो सलमान को, देख बिल्कुल एक है, ठीक कहा उसने, एक है, लेकिन ये सामने वाली पार्टी, सामने वाली पार्टी माने तो, हम तो कितने साल से कह रहे हैं कि तुम भी हमारी हो, वो मान ही नहीं रहे, हम तो तुम्हें स्वीकार चुके, संस्कृति तुम्हारी हिंदू, नेशनैलिटी तुम्हारी हिंदू, मानवता को मानने लग जाओगे, मारकाट बंद कर दोगे तो धर्म तुम्हारा हिंदू, तो हम तो तैयार है तुम्हें अपना मानने के लिए, हमने तो आज तक तुम्हारी जमीन को जिसको तुमने रिलीजियस बेसिस पे हमसे ले लिया, हमने तो आज तक उसको भी अलग नहीं माना, उसको भी अपना हिस्सा मानते हैं, जब तुम थक जाओगे देश देश खेल कर वापस आ जाना, संभाल लेंगे कोई बात नहीं, देख लेंगे, प्री इंडिपेंडेंस काल हमारा डार्क एज है, फिर आया पोस्ट इंडिपेंडेंस काल जो उसमें उन्होंने बताया, ये दोनों ही जो वॉइस ऑफ इंडिया वाले ऑथर्स हैं श्री रामस्वरूप जी और सीताराम गोयल जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने, जैसे शंकराचार्य जी के पास एक बात एक नाम आता है, अगर आपने नाम सुना हो अभिनव गुप्त, किस किस ने नाम सुना अभिनव गुप्त जी का, तो अभिनव गुप्त जी ने क्या काम किया था कोई बताया, आले बताए अभिनव गुप्त जी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, काम क्या किया है अभिनव गुप्त जी ने कोई बताए, उन्होंने बेसिकली क्या किया, जो शंकराचार्य जी की पूरी आइडियोलॉजी थी उसको रिवाइव किया, उसको जिंदा किया लिख कर, और वो काम अगर आज मॉडर्न टाइम पर हम देखें तो हमारी हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसको रिवाइव करना, उसको वापस जिंदा करने का काम किसने किया है, ये वॉइस ऑफ इंडिया वाले सारे लोगों ने, और उसके बाद ये 1980s के बाद 1990s में हमारा राम जन्मभूमि आंदोलन आया, और वहां से हमें राष्ट्रीयता, हमारे पूर्वज, मेरा जन्म एक आर्य समाजी परिवार में हुआ, मेरे पिताजी आर्य समाजी, तो मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा, मैंने कहा पिताजी आप तो राम मंदिर, मेरे पिताजी शाखा भी जाते थे, मेरे पिताजी ने कहा पिताजी राम मंदिर क्यों बनवा रहे हो, आर्य समाज की मूर्ति, पापा ने कहा सुनो बहुत लॉजिकल आंसर है इस बात को सुनिए, कि राम की पूजा इसलिए नहीं करता कि मैं उन्हें भगवान मानता हूं, ये मेरी इच्छा है, मान सकता हूं कि वो भगवान थे या नहीं थे, ये मेरी इच्छा है, लेकिन वो मेरे पूर्वज नहीं थे ये नहीं कह सकता, इस नाते कि मेरे एक आदर्श पूर्वज जिन्होंने हम सबके लिए एक आदर्श स्थापित किया, मर्यादा स्थापित की, उसकी जन्मभूमि पर किसी विदेशी आतताई ने कब्जा कर लिया है, उसे खाली कराना चाहिए और वहां पर उसका स्मृति मंदिर बनना चाहिए, मैं वहां जाकर पुष्प नहीं चढ़ाऊं लेकिन मेरे श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित करूंगा, ये भाव एक हिंदू का होना चाहिए, ये थॉट है हमारा, इतना इतना वाइट थॉट है हमारा, तो जब हम कहते हैं कोई कहता है यार मैं तो मंदिर जाता नहीं, मैं तो मंदिर को मानता नहीं, कोई बात नहीं, तेरे पूर्वज तो थे ना राम, तू अकबर की औलाद नहीं है भाई, ये जो पूर्वज वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्लियर होना चाहिए, जब हम बोलते हैं हिंदू संस्कृति तो पूर्वज की बात कर रहे हैं, पूर्वज हम सबके क्या है, एक। अब आता है धर्म यूनाइट्स अधर्म डिवाइड्स, ये इस बात को आप थोड़ा समझिए सारे लोग, अब ये जो धर्म निरपेक्ष, एक तो सेक्युलर की परिभाषा हमने कर लिया धर्मनिरपेक्ष, अब ये धर्मनिरपेक्ष बहुत ही मूर्खतापूर्ण शब्द है, आप अग्नि को कहिए तुम धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, अब अग्नि कह रही है ठीक है कल से किसी को जलाऊंगी नहीं, वायु को कहिए धर्मनिरपेक्ष हो जाओ ठीक है रुक जाती हूँ, पानी को कहिए धर्मनिरपेक्ष हो जाओ शीतलता छोड़ देता हूं, मानव को कहिए धर्मनिरपेक्ष हो जाओ मानवता छोड़ देता हूं, हो जाए धर्मनिरपेक्ष कहिए, ये जो हम ये जो शब्द जब आपके सामने लिखा जाता है ना वहां पर नीचे लिखा जाता है आइडियली, तो आज तक कोई गया नहीं किसी ने जाके बोलना चाहिए था भैया आपको जो कॉलम देते हैं रिलीजन का उसके सामने हिंदू कैसे लिख देते हो, पागल वागल हो गया यार, मतलब मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं इसमें कैसे लगाऊं हिंदू, रिलीजन है ही नहीं वो, लेकिन आपको कॉलम क्या किसने किया, इसका पूरा पूरा श्रेय हमारे गांधी जी को जाता है, बहुत सारे उनको श्रेय जाते हैं, जैसे जबरदस्ती मोहब्बत का एक नमूना उन्होंने प्रस्तुत किया, अब देखते हैं कोई मान नहीं रहा है उसे मनाने के लिए हम उसकी मांगे पूरी कर रहे हैं, अरे भैया मोहब्बत की कोई शर्त नहीं होती, समझ रहे हैं ना,
उन्होंने जिन्ना से मोहब्बत करवाने की कोशिश की, एक वो पर्सनल एक्सपेरिमेंट होता है, उन्होंने पूरे देश के साथ कर दिया भाई। उनका स्वयं बहुत अच्छा है लेकिन उनका शत्रु बहुत जो है वो उनको समझ में नहीं आ रहा था ये शत्रु है। आप समझिए एक एक, एक व्यक्ति का एक्सपेरिमेंट होता है कि यार मैं इसे मनाऊंगा ये मान जाएगी। गांधी जी वही करते रह गए, आखिरी दिन तक वही कर रहे थे। ये समझिए कि आपको पता होगा कांग्रेस के अधिवेशन में अली बंधु और आगा खान बंदे बातों में से चले गए, चले गए। और देखिए मजे की बात, उस समय तक मोहम्मद अली जिन्ना करके मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे उस समय तक? राष्ट्रवादी थे। ये पता है कि नहीं पता है आपको? वो आडवाणी जी ने जाके उसकी मजाक में बोला था कि जिन्ना राष्ट्रवादी थे और आडवाणी जी की बहुत फजीहत हो गई थी देश में। किस किस को याद है वाक्य? वो बात अपन ने पूरी नहीं सुनी। आडवाणी जी ने सही कहा था, जिन्ना राष्ट्रवादी थे। जब खिलाफत हुई, और आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है ना ये सब, ये बढ़िया मॉडल, मतलब ये समझिए गांधी पीरियड 1905 से लेके 1947 तक आपको जरूर पढ़ना है। उसके बिना आप कोई आइडियोलॉजी आज के मॉडर्न इंडिया के बारे में बना ही नहीं सकते। और उसे पढ़ने के लिए मैंने आपको एक एक तो रेफरेंस बताया अखंड भारत, और वरना और देश बढ़ गया है पुस्तक है, वो भी शेषाद्री और देश बढ़ गया, उसे जरूर पढ़िए। एक 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 छोटी से छोटी घटना उन्होंने लिखी है, उसी का समराइज वर्जन है अखंड भारत। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि खिलाफत हुई, आपको पता होगा तुर्की के खलीफा को कमाल पाशा ने उसके पद से हटा दिया, पूरी दुनिया में खिलाफत हुई, हुई तो भारत में भी हुई खिलाफत। अब गांधी जी को तो सर पे सवार था मोहब्बत, मुझे तो मोहब्बत करनी है और हमें तो हिंदुस्तानी और मिलके और हिंदू मुस्लिम यूनिटी और ये सब। तो बोला कि चलो भैया खिलाफत का क्या करना चाहिए, समर्थन। इकलौता ऐसा नेता था उस समय कांग्रेस में जिसने कांग्रेस खिलाफत का समर्थन करे, इसका क्या किया? विरोध। किसने? जिन्ना ने। तो जिन्ना को क्यों दोषी ठहरे भाई? जिन्ना तो ठीक ठाक आदमी था। वो बात और है कि जब खिलाफत हुई उसके बाद केरला में कौन से दंगे हुए? मोपला दंगे हुए। ऑफिशियल फिगर तो कुछ और है लेकिन कहते हैं कि 1,00,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए, हो गई खिलाफत। अब यहां पर एक बहुत छोटा सा फैक्ट आता है, तो फिर जिन्ना ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि वही वाली बात, धर्म यूनाइट्स एंड धर्म डिवाइड्स। जब गांधी जी अधर्म के मार्ग पर चले, मैं बहुत कटु शब्द बोल रहा हूं, अधर्म था। जब वो अली बंधु और आगा खान क्या छोड़कर गए, वंदे मातरम छोड़कर गए, तो गांधी जी के पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि अली बंधु और आगा खान को कहते चले गए, बहुत अच्छी बात है, मैं राष्ट्रवादी मुस्लिमों के साथ हूँ, राष्ट्रवादी मुस्लिम यहाँ बैठे, नेशनलिस्ट मुस्लिम यहाँ बैठे जो मेरे साथ। अरे भाई वंदे मातरम कहां से आया था बताइए? बंगभंग से आया था ना। वही वंदे मातरम 1905 में बंगाल विभाजन के समय पर बंगाल का विभाजन नहीं करने दे रहा है, और वही वंदे मातरम 1947 में देश का विभाजन कर दिया। क्या बदल गया बयालिस्तान में भाई? गांधी जी बदल गए और कुछ नहीं। गांधी जी ने डोमिनेट कर लिया पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। गांधी जी का पर्सोना इतना जबरदस्त था, उनका व्यक्तिगत चरित्र इतना प्रभावशाली था कि लोग उनकी बातों में आ गए। बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस बात को खुल के नहीं बोल पाए, गांधी जी आप एक बार चटका दो जरा ढंग से अली बंधु और आगा खान को, इनकी हिम्मत भी होगी दोबारा लिटर पिटर करने की, और एक बार हाथ तो ऊंचे करवाओ उन राष्ट्रवादी मुसलमानों के जो कहते हैं हमें वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने हाथ ही ऊपर नहीं करवाए। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज में जो थोड़े बदमाश टाइप के लड़के होते हैं उन्हें डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, डीन साहब कभी कभी बुला लेते हैं शासकीय विद्यालय में। दिन सर बैठे मैं माफी चाहूंगा, उन्हें बुला लेते हैं कि तेरे थोड़ा नटखट है, शैतान है, फिर वो नटखटी और शैतानी छोड़ देता है कि और बड़ा हो जाता है और बड़े वाला हो जाता है, कहीं तो रुकना था ना। फिर गांधी जी जिन्ना जी को क्या लेते हैं? रेस्पेक्टेड बैरिस्टर जिन्ना। और जिन्ना जी गांधी जी को क्या लिखते थे पता है? वो गांधी जी जिनको पूरी दुनिया बापू बोल रही थी, महात्मा गांधी बोल रही थी, मिस्टर एमके गांधी। और गांधी जी से उसके बाद मांगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और फिर डायरेक्ट सेक्शन और उसके बाद बंटवारा। तो ये जो डिवीजन हुआ इसका कारण क्या है? धर्म की अधर्म? अधर्म। अगर बात धर्म की हुई होती तो बंटवारा नहीं हुआ होता। अब ये
अब मुझे मालूम कि आजकल हमारे YDF के लोगों के नीचे ये मंत्र लिखा रहता है, आज वो भद्रा कर दो यंतु विश्वतो तब दास हो अपरिदास हो विदा। अब ये जो मंत्र है, इस मंत्र का मतलब क्या है, करीब इस बात को समझ ले आप। आनो भद्रा कर दो यंतु विश्वतो, मतलब विश्व के सारे अच्छे विचारों को आने दो, मेरा मंत्र है। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अरे ये तो अपने आप को यूनिवर्सल बनाने के लिए अभी से ऐसा यूनिवर्सलिज्म का नाटक करने लगे। दुनिया की सबसे पुरानी किताब बेटा चाइना में नहीं मिली है, दुनिया की सबसे पुरानी किताब यूरोप में नहीं मिली है, दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद है, वो हमारी किताब है। और जब आप वेद की बात करते हैं तो वेद की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वेद के सारे मंत्रों को जब आप पढ़ेंगे, स्वस्ति पंथा मंत्रे पढ़ेंगे या संगच्छद्वम संवदद्वम संभो मनसि जानत आप पढ़ेंगे या विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रम तन्नास्व पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे आप वेद का कोई भी मंत्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी मंत्र आपको मारने के लिए, काटने के लिए, लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए कह ही नहीं रहा है। वो सारे मंत्र आपको विश्व कल्याण के लिए, शुभ के लिए, शांति के लिए कह रहा है। जब आप कहते हैं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रम तन्नास्व, इसका मतलब है सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कराइए। का इसके बाद पाठ भाई, ऐसी संस्कृति है हमारी, और हमारी संस्कृति ओलिस्ट नहीं है, ऑल्सोइज्म वाली है। ऑल्सोइज्म क्या है, जब कोई कहता है कि नहीं भाई साहब भगवान के पास जाने का रास्ता चैतन्य महाप्रभु ने बताया, कीर्तन से जाएंगे, वही दूसरे है उन्होंने कहा नहीं नहीं कबीर ने तो कुछ और बताया था, नहीं नहीं प्रार्थना समाज ने तो कुछ और बताया था, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल सही, आप भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं। इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है इस बात को कहने के लिए कि महर्षि अरविंद ने कहा कि सनातन धर्म उठेगा तो देश उठेगा और सनातन गिर गया तो देश गिर जाएगा, क्योंकि उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस था कि एक सनातनी, एक वैदिक सनातनी, एक हिंदू कभी किसी के पूजा करने के तरीके को लेकर जजमेंटल हो ही नहीं सकता। भाई हमने कितने बौद्धों को मार दिया, हमने कौन सा महावीर स्वामी का, मतलब आप समझिए जिन्होंने खुल के हमारे वेदों पर उंगली उठाई, हमने उनको कुछ नहीं कहा। अगर आप चारवाक की छोरी पढ़ेंगे तो उन्होंने तो और भी बहुत कुछ लिख रखा है, आप उसको ने हमारी कितनी धुलाई की, आप उसको को पढ़िए, वो तो बहुत, तो क्या किया उसको को देश निकाला दे दिया, हमने भगा दिया, नहीं ना। लेकिन आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, देखिए आपको पता है पूरे इस्लामिक कंट्रीज में पहला फिजिक्स का नोबल किसको मिला, कोई बताएगा किसको, बताओ पहला साइंटिफिक नोबल पुरस्कार किसको मिला, फिजिक्स का नोबल किसको मिला, एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, क्या नाम था, अब्दुल सलाम। आज आप जाके डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में जरूर पढ़िए, ये एग्जांपल आप सबके लिए है, खासकर साइंस बैकग्राउंड वाले जो नहीं है उनके लिए एग्जांपल जरूर है, छोटा मोटा काम नहीं किया होंगे। ये जो लड़ाई झगड़ा फसाद है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ता, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। डॉक्टर अब्दुल सलाम कौन आदमी थे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम वो आदमी थे जिन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर चार नहीं है, तीन है। एक फोर्स बताया था किसी ने बहुत पहले जिसका नाम था वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने कहा कि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और जब प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने ये बात कही तो आप सोचिए पूरी दुनिया में इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया और नोबेल पुरस्कार दिया गया। पाकिस्तान के रहने वाले थे, पाकिस्तान जैसे देश में स्पेस प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की, वहां के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन वगैरह रहे, और फिर अचानक से एक दिन उन्हें देश से भगा दिया, क्योंकि आप अहमदिया मुसलमान हो, आप ये फलाना वाले मुसलमान नहीं हो। एक आम मुसलमान को छोड़िए, वो आदमी जो, मतलब आप समझिए जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ साइंस का नाम लेते हैं तो वैसे भी एक हंसी सी आ जाती है। हम जब यहाँ से रॉकेट लॉन्च कर रहे होते हैं तो वो एक हीलियम का गुब्बारा छोड़ देते हैं, है ना, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो वो कहते हैं धरती चकोर है। अब एक ऐसा देश वहां पर एक इतना ब्रिलियंट आदमी पैदा हुआ। अच्छा और देखो मजे की बात, प्रोफेसर अब्दुल सलाम आजादी से पहले पढ़ते थे और उनके मैथ्स के प्रोफेसर थे कोई प्रोफेसर गांगुली, और प्रोफेसर गांगुली आजादी के बाद इंडिया रह गए और अब्दुल सलाम चले गए कहां, पाकिस्तान। लेकिन जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो मैं नोबेल पुरस्कार लेके किसके पास गए, प्रोफेसर गांगुली के चरणों में ले जाकर रख दी, बोले मेरा साइंस में इंटरेस्ट डेवलप करने वाले आदमी आप,
इसलिए नोबेल पुरस्कार मेरा नहीं है, ये आपका, ये अब्दुल सलाम के संस्कार है। निश्चित रूप से हमारा भाई था वो, और इसीलिए उसको देश से निकाल दिया। तो समझिए, जो हमारे जैसा है, जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है, जो क्रिएटिव है, जो कंस्ट्रक्टिव है, वो बहुत चलता नहीं, उनका इलाज तो तालिबान ही करता है, उनको नहीं चाहिए। खैर, तो ओनलिस्ट एंड आउटसाइड बात सोचिए, वो ओनलिस्ट है, वो बिल्कुल बहुत लकीर के फकीर है, जरा आप दाएं बाएं हुए नहीं और आपको देश से बाहर निकाला नहीं। वहां तो प्राइम मिनिस्टर रोज उठ के सुबह पूछता है ना अपने से, क्या पूछता है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं या नहीं हूं, कहीं सेना ने मुझे बाहर तो नहीं दिया, अजीत देश नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देश से बाहर कर देता है, सेना किसी को नजरबंद कर देती है, सुप्रीम कोर्ट किसी के खिलाफ फैसला सुना देता है, समझ में नहीं आता चल क्या है। अभी हम एक बात आती है, हिंदुत्व वर्सेस नेहरूवियन सेकुलरिज्म, ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से भी जितनी बात हुई है उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सेकुलरिज्म है बेटा, ये ईस्टर्न टर्म, मतलब मैं बेटा इसलिए बोल रहा हूँ दिन भर क्लास ले रहा हूँ तो मुझे उसकी आदत है, ये जो नेहरूवियन, मैं माफी चाहूंगा, भारतीय टर्म नहीं है, वेस्टर्न टर्म है, पश्चिम से आ रही है, उनकी क्यों मजबूरी बन गई थी आपको पता होगा, चर्च ने डोमिनेट कर लिया था राजाओं को, चर्च ये बताने लगा था किस पे आक्रमण करना है किस पे नहीं करना है, चर्च ये बताने लगा था ना कि गैलीलियो की थ्योरी को सुनना है कि उसकी आंखें फोड़नी है, चर्च ये बताने लगा था कि जो चर्च के खिलाफ बोले उसका क्या हश्र करना है, उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन करना है। जब ऐसा आया तो फिर वहां पर एक थ्योरी डेवलप हुई कि भैया हम सेक्युलर हो जाते हैं, यानी कि हम पंथ निरपेक्ष हो जाते हैं, हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से इंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे। लेकिन भारत के साथ तो ये समस्या कभी नहीं थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई रिलीजियस गुरु आके बताएगा कि राजा ने ये करना चाहिए, ऐसा तो कभी नहीं। हाँ, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ये नहीं बताया कि मंदिर की स्थापना करो, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करो, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि देश के शत्रुओं को कैसे खाली करना। तो हमारे यहाँ भी किसी ने बताया भी तो वो प्रो नेशन था, वो अगेंस्ट नेशन नहीं था, तो ये टर्म वहां से आ गया। अब जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उनके ऊपर गांधी जी का 50% बुरे वाला असर था, गांधी जी का एक अच्छे वाला असर भी हो सकता था, पता है ना आपको, गांधी जी की बहुत सारी थ्योरीज हमारे हिसाब से बहुत अच्छी थी, जैसे गांधी जी IIT और IIM और स्टील फैक्ट्री के समर्थक नहीं थे, पता होगा आपको, गांधी जी का कहना था कि हमारी शक्ति जो है वो गाँव है, तो गांधी जी का कॉन्सेप्ट ग्राम आधारित विकास था। अब ग्राम आधारित विकास तो हुआ नहीं, आप सोचिए आज इतनी कष्ट की बात है कि गांव से लोगों को पलायन करके शहर में आना पड़ रहा है, और शहर में आज एक उन्नति है, शहर में आज ये डेवलपमेंट है, ये थॉट हमारे अंदर आया है। एक संस्था है नवलय सरोकार नाम की, आप लिख सकते हैं, आप उसे थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, नवलय सरोकार। इस संस्था ने, मैंने 5-6 साल हो गए इस पुस्तक को पढ़े हुए, और मैं अब तो मैं क्योंकि मेरा फिजिक्स वाला पार्ट ज्यादा जीवन में घुस गया, इसलिए मैं आपको कहानी की सारी फिजिक्स वाली सुना रहा हूँ, लेकिन एक समय में इन सबका बहुत पसंदीदा रीडर हुआ करता था। तो नवले सरोकार नाम की एक संस्था है, संस्था ने वो सारे लेटर्स को पब्लिक किया जो लेटर्स आजादी के बाद गांधी जी ने नेहरू जी को लिखे, और जब उन लेटर्स को आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के समझ में आएगा कितना बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस गांधी जी और नेहरू जी के बीच में था, किसको लेकर, स्वराज की अवधारणा को लेकर, ग्राम आधारित विकास को लेकर। तो ये समझिए कि नेहरू जी ने गांधी जी की वो सारी चीजें ले ली जो हमें नहीं चाहिए थी, और वो सारी चीजें छोड़ दी जो हमें चाहिए थी। इनमें सबसे बड़ी चीज थी ये झूठा सेक्युलरिज्म कि हम किसी पंथ से नहीं पूछेंगे, अच्छी बात है, पूछो पंथ से तो हिंदू धर्म भी नहीं पूछता, लेकिन इसे धर्म निरपेक्ष करके कॉइन किया गया, ये गड़बड़ है। तो हमारा ये जो हिंदुत्व है और ये जो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म है, ये दोनों बिल्कुल 180 डिग्री पर है। कई बार हम भी सोशल मीडिया पर और बाकी सब जगहों पर कूल बनने के चक्कर में कहते हैं मैं भी सेक्युलर हूं, तो आप इस वर्ड को अवॉइड करें, आप तो बोले हाँ मैं धर्म में बिलीव करता हूं, है ना। वो अब एक बड़ा ये मेरा इंटरेस्ट का विषय भी है, आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि अभी कंटेम्पररी टाइम में आप देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स और ये तो मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये हिंदुत्व हिंदुत्व कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दो, ऐसा है ना। तो आप धर्मशास्त्र की थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि धर्मशास्त्र में एक तो हमारा टैक्सेशन बदल गया,
क्वार्टरली के अर्थशास्त्र में हमारी बिजनेस पॉलिसीज बताई गई, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी समय हो रहा है ना, तो अभी आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जब हम अर्थशास्त्र की पढ़ाई करते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पढ़ाई करते हैं और धर्मशास्त्र की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें टैक्सेशन बताया, कितना बताया कि भैया आप अपनी कुल आय का 1/6 राजा को देंगे, कितना 1/6, ऐसा लग रहा है आप सब सोने वाले हैं, सीधे बैठना एकदम, मैं तो मानूंगा कि देखिए मेरा 17 में तो पूरा बोलूंगा, मास्टर आदमी हूँ, लेक्चर जल्दी छोड़ता नहीं, इसलिए आपको सुनना पूरा है और ध्यान से सुनना है, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा अभी आपसे, इसलिए आप प्लीज सुनिए ध्यान से, कितना 1/6 है, तो 1/6 लगभग मुझे लगता है कितना हो गया 15% के आसपास हो गया, तो 1/6 हो गया, यानी कि लगभग 15-16% के आसपास हमारा क्या हो गया टैक्स, तो लगभग 15-16% हमारे ऊपर टैक्स था, इसलिए आप कभी पढ़ते होंगे जब इस्लामिक अटैक हुआ और हमारे ऊपर इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो ये टैक्स बढ़ाकर 40% के आसपास कर दिया, तो हमारे यहाँ तब ये 30% 40% वाले स्लैब थे नहीं, हम तो 15% टैक्स वाले लोग थे। दूसरा, जब कभी आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर दूसरे या तीसरे पेज पर एक ही चीज आएगी, इसका नाम है फेयरनेस एथिक्स। तो हिंदुत्व जब बिजनेस की बात करता है, व्यापार की बात करता है, तो सिर्फ एक ही बात करता है, ये जो हमारे यहाँ एक और सोच बनाई ना कि रही सके प्रेम चोपड़ा ही होगा, पैसे वाला है तो प्रेम चोपड़ा ही होगा, ये नहीं पढ़ाया कि पैसे वाला है तो भामाशाह भी तो हो सकता है, पैसे वाला है तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो राजा को संकट के समय पर अपनी पूरी संपत्ति दे दे, भामाशाह के बारे में पता है, राणा प्रताप को अपनी, राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को अपनी पूरी संपत्ति दे दी कि आप सेना बनाइए भामाशाह ने, तो हमारे यहाँ प्रॉफिट बनाना कभी गलत बात नहीं थी, प्रॉफिट बनाना सिखाया था धर्मशास्त्र ने हमें, लेकिन साथ के साथ हमें यह भी सिखाया कि हमें नैतिकता से प्रॉफिट बनाना है, हमारे बिजनेस का, हमारे व्यापार का जो माध्यम होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, मॉरली करेक्ट होना चाहिए। फिर एनवायरमेंटलिज्म इन हिंदुत्व है, अब ये इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, दिवाली पे सबसे ज्यादा ये वाले लोग बाहर निकल के आते हैं, तो पहले आप सारे लोग जो है दिवाली पे एक बढ़िया काम कीजिएगा, इस बार दिवाली पर आप वैदिक विधि विधान से यज्ञ कीजिएगा, और उस यज्ञ में, हवन में आपने आहुति देनी है उन सारी फसलों की जो फसलें शारदीय नवसृष्टि पर आती है। आपको दिवाली का असली नाम पता है कि नहीं पता है? दिवाली का असली नाम है नवसृष्टि, नव यानी कि नया, सस्य यानी कि फसल, और इष्टि मतलब आना, उगना, आना, नवसृष्टि। तो पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि भगवान राम आए थे, घी के दिए जलाए थे, इसलिए हम दिवाली मना रहे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन वैदिक काल से, सतयुग के काल से दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वो वाला टाइम है जब भारतवर्ष में हमारे पास नई फसल आती है, तो दिवाली का असली नाम क्या है? नवसृष्टि, ये उसका असली नाम है। और जब नवसृष्टि में हम हवन करते हैं तो आहुति किसके देते हैं? तो एक मंत्र आएगा उसमें, बृहस्पति में, माशाष्ट में, गोधूमाष्ट में, प्रियंगवश में, अन्वश में, यज्ञेन कर्तंताम, ऐसा एक मंत्र डालेंगे आप उसके अंदर। अब ये गोधूमाष्ट क्या है? गोधूम क्या हो? गेहूं। माशाष्ट, यवाश, ये सब क्या है? डालें। वो सारे के सारे के सारे ये वो सारी चीजें हैं जो हम उसमें डाल रहे हैं। तो इसका मतलब हम प्रकृति के बारे में, प्रकृति प्रेम के बारे में हम लोगों को, इन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो नॉन साइंटिफिक प्रैक्टिसेस रूढ़ी के साथ हमारे पास आ गई है, जिससे हम अपनी पूजा करने के तरीके में नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हमें किसी और के कहने से पहले स्वयं त्यागनी पड़ेगी, स्वयं छोड़नी पड़ेगी और उसे ठीक करना पड़ेगा। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को गाली देने से और उनको कोसने से अपना भला नहीं होगा, हमारा भला होगा हमारी खुद की शुद्धि से। और हम, मैंने बोला ना आपको कोई बात नहीं करेगा, हम तो वैसे भी हिंदू है, हमने तो, मैंने बोला चारों को बात नहीं किया तो सच बोलो, है ना, सत्यम वचन धर्मम चर वाले लोग हैं, तो अगर आपको ये सत्य लगता है तो, उन्होंने बोला ना आदि शंकराचार्य ने बोला कि अगर वेद कहते हैं कि दिन की रोशनी में अंधेरा है तो मैं वेद की बात नहीं मानूंगा, ये किसने बोला? शंकराचार्य जी ने बोला, आचार्य शंकर ने बोला, तो उन्होंने भी ये बात बोली, तो हमें तो सत्यम वचन धर्मम चर चलना है। फिर नेशन वर्सेस राष्ट्र, जैसे आप लोग कई बार नेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसे भी आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि नेशन का मतलब वेस्ट के लिए क्या है? स्टेट। नेशन उनके लिए एक पॉलिटिकल वर्ड है, वो पॉलिटिकल शब्द है उनके लिए नेशन, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र एक पॉलिटिकल शब्द नहीं है,
हमारे लिए राष्ट्र बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम बोले तब राष्ट्र बोले, नेशन ना बोले। इसीलिए जब कभी संघ कहता है या हमारी कोई संस्था कहती है तो हम कभी नहीं कहते हम हिंदू नेशन की बात करते, हम किसकी बात करते हैं? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। फिर डेमोक्रेसी एंड हिंदुत्व, इस पे समय कम है तो मैं एक छोटे सा वाक्य आपको बता देता हूँ। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार से एक बार किसी ने मजाक कर पूछ लिया कि यार ये तो आपको डेमोक्रेसी कैसी लग रही है, ये तो वेस्ट से आपने लिए। तो प्रोफेसर राजेंद्र कुमार ने जवाब दिया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भी हमारे साथ डेमोक्रेसी अडॉप्ट की थी, उनके क्या हाल है वो देख लो। तो हमने डेमोक्रेसी को स्वीकार लिया क्योंकि हमारी अंतरात्मा में डेमोक्रेसी बहुत पहले से थी। आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें सभा का कॉन्सेप्ट आएगा, समिति का कॉन्सेप्ट आएगा। हमें अकबर के दीवाने या वो दीवाने खास वाला कचरा सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पढ़ाया गया दीवाने या वो दीवाने खास बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, पगला नहीं। मतलब अगर आप महाभारत देखेंगे पूरा तो आपको उसमें दिखाई देगी बहुत सारी ऐसी चीजें। तो डेमोक्रेसी हमारे पास बाहर से नहीं है, इसे बहुत सारे, जैसे अगर आप वैशाली का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वैशाली के राजा का चयन डेमोक्रेसी से हुआ। और बहुत सारे ऐसे विषय होते थे जिनमें जनमत संग्रह होता था। और अगर आप सोचे कभी इसी वाली बात पे बात करें, भगवान राम वाला किस्सा जो हम सुनते हैं कि धोबी ने आके एक अदना सा धोबी राजा के सामने आके इतनी बड़ी बात बोल रहा है, क्या माहौल रहा होगा? आज की डेमोक्रेसी से ज्यादा डेमोक्रेटिक दिखता है वो। तो डेमोक्रेसी हमारे पास बहुत पहले से थी, हमने वैसे चुराया। दो बातें आपसे फटाफट से करूंगा कि हमारा इस सब में रोल क्या है। पहली बात तो हम सब प्रैक्टिसिंग हिंदू बने, हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी हो कि लोग हमें देखें, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो, हमारे मॉरल्स अच्छे हो, हमारे एथिक्स अच्छे हो, हम किसी के ऊपर रिलीजियस जजमेंटल ना हो, हम सच बोलने से ना डरे, हम बेईमानी ना करें, हम आलसी ना हो। ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कैरेक्टर को देख के सामने वाला कहता है नहीं यार ये प्रैक्टिसिंग हिंदू है। और उसके बाद जब हम तिलक लगाते हैं, उसके बाद जब हम शिखा धारण करते हैं, उसके बाद जब हम धोती पहनते हैं, उसके बाद जब हम पूजा करते हैं, तो सामने वाले को समझ आता है कि हाँ। तो अभी जो यंग जनरेशन है इसका सब प्रॉब्लम क्या, किताबें बहुत अच्छी पढ़ रही है, नॉलेज बहुत बढ़िया गेन कर रही है, लेकिन आचरण में नहीं ला रही है। तो उसको एक आचरण में लाना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा विषय समरसता वाला है जिसमें हम सारे लोग फिसलते हैं। जैसे ही रिजर्वेशन वाला कोई विषय आता है हम उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। तो पहले आप रिजर्वेशन वाले विषय को अच्छे से समझिए, उसकी गंभीरता नहीं है हमारे अंदर, रिजर्वेशन का क्या कारण है और उसको एकदम से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए, हम गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर लेंगे। और दूसरा वो अपने आप हट जाएगा जिस दिन हम समरसता ले आएंगे, एब्सोल्यूट समरसता ले आएंगे। कहना बड़ा आसान है, मैं बड़ी गर्वी बात बोल रहा हूँ, जो लोग रिजर्वेशन हटाने की बात कर रहे हैं वो अपने अपने घर से बेटी रोटी का संबंध नहीं कर रहे हैं उन लोगों के साथ जैसे रिजर्वेशन हटाने की आप बात कर रहे हैं। आप जाके अपने घर पे पूछ लेना, हमसे ऊपर वाली पीढ़ी तो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो जब तक ये जो एब्सोल्यूट समरसता पे हम काम नहीं करेंगे, हम पहले हम इस बात पे जजमेंटल हो रहे थे कि ये फलाना जाति का है, अब हम इस बात पे जजमेंटल हो रहे हैं रिजर्वेशन से आ रहा है। अरे भैया ये क्या आप लड़ते ही रहिएगा क्या? तो जब तक आप इंक्लूसिव माइंडसेट, ये इंक्लूसिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी क्लास में अगर 50% आज की तारीख में ग्राउंड रिजर्वेशन से पढ़ने आया है तो वो आपके साथ होना चाहिए, आपके साथ खड़ा होना चाहिए। और जो रिजर्वेशन से पढ़ने वाले लोग हैं जिनको रिजर्वेशन मिला है वो जनरल कैटेगरी वाले। आप देखें IIT जैसी जगह जहां पर आप सोचिए इंडिया का टॉप 1% ब्रेन जा रहा है, किस चीज की लड़ाई चल रही है? आपको पता है ना IIT खड़गपुर में आए थे, खबर आती रहती है, ग्रुप्स बने हुए, अम्बेडकर वाले ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ठीक हो रहा है क्या? तो हमारे आचरण में समरसता होनी चाहिए। जब आचरण में समरसता होगी तो अपने आप ये सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। दूसरी बात मैंने बोला एकेडमिया, जितने भी आप सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं आप सब लोगों को पढ़ाने आना पड़ेगा। बड़ी समस्या ये है कि आप में से किसी को कलेक्टर बनाते हो तो आप कलेक्टर बन जाते हो जाके। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आने वाले 20 साल बाद का देश कलेक्टर तय नहीं करता, कमिश्नर तय नहीं करता, जज साहब तय नहीं करते, नेता जी तय नहीं करते, मास्टर तय करते, अध्यापक तय करते। आज जो बच्चा पैदा हुआ है किसी अस्पताल में वो 30 साल बाद क्या करेगा? ये नेता जी तय नहीं करेंगे, कौन तय करेगा? ये बात कम्युनिस्टों को समझ आई, वामपंथियों को समझ आई, इसलिए उन्होंने अकेडमियों पर कब्जा किया। हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो उसे फॉर्मल डिग्री में ले जाकर यूनिवर्सिटीज में, कैंपसेस में, और ये सब छोड़िए अब तो इनफॉर्मल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं एक इनफॉर्मल सिस्टम चलाता हूँ, 3000 विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता हूँ। तो आप सोचिए जब मैं साइंस पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो जब मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाता हूँ तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से शुरू नहीं करता, जाके क्लास में पहले एक मंत्र लिखता हूँ, उदुद्गम जातवेदसम देवम महंती केतव दृश्य विश्वाय सूर्यम, सूरज उगने से एक मिनट पहले और छिपने के एक मिनट बाद तक दिखता रहता है, बहती हवाओं की सघनता और विरलता की वजह से।
क्या होगा सघनता विरलता में, जब लाइट रेज आएंगी तो सघनता विरल यजुर्वेद का मंत्र है। अब मेरे पास ये ऑप्शन है क्योंकि मेरे सामने ऑडियंस है, आपके सामने ऑडियंस ही नहीं, इसलिए अकेडमी आपके आना पड़ेगा। और अगर आप में से कुछ लोग ह्यूमैनिटीज वाले हैं, आप हिस्ट्री को पकड़िए, हिस्ट्री पढ़ाइए, 9th-10th का बच्चा क्या हिस्ट्री पढ़ रहा है आपको अंदाजा नहीं है। हम बात करते हैं एनसीईआरटी बदल दीजिए, एनसीईआरटी तो बदल दीजिएगा, पढ़ाने वाला आदमी अगर लेफ्टिस्ट होगा तो क्या करेगा वो, फिर भी वो वही पढ़ाएगा, फिर भी वो अकबर महान ही बताएगा, वो अकबर का यशोगान करेगा, शिवाजी का यशोगान नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए किताब इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला इंपॉर्टेंट है। ये बात कम्युनिस्टों को कितने साल पहले समझ में आई, इसलिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि और आप ये जो आपके दिमाग में मिट्टी जमी हुई है ना कि मास्टर बनना या टीचर बनना कोई अच्छी बात नहीं, आप इस चीज को थोड़ा समझिए। वो जो डायलॉग था ना चाणक्य का कि मुझ में शक्ति होगी तो अपना कलर करने वाले राजाओं का निर्माण कर दूंगा, और अलग निर्माण मेरी गोद में खेलते हैं धनानंद बोला था ना ऐसा, वो बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। आज भी इस बात को मान के चलिएगा, प्रलय और निर्माण हमारी गोद में ही है, यदि हम अध्यापक हैं, यदि हम प्रोफेसर हैं, यदि हम प्राचार्य हैं, तो प्रलय और निर्माण आज भी हमारी ही गोद में है। तो ये आपके रोल है। एक छोटी सी चीज जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी वो ये, इस पूरे हिंदुत्व वाली जो चीज है उसको रिवाइव करने वाला जो ऑर्गेनिक मूवमेंट, ऑर्गेनिक क्यों लिखा मैंने, ऑर्गेनिक मतलब संगति, किसी भी प्रचारक को किसी ने कोई वेतन नहीं दिया, पता है आपको, ऑर्गेनिक हुआ ना, लोग आपको प्रेरणा से आए हैं। संघ का एक प्रचारक अपना घर छोड़ के, अपनी माता जी को छोड़ के, अपने पिताजी को छोड़ के, अपने भाई को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के अपना पूरा जीवन संघ को दे रहा है, प्रचार कर रहा है और हिंदुत्व के लिए जी रहा है, इसलिए मैंने बोला ये ऑर्गेनिक मूवमेंट है। ये जर्मनी ने हमारे लिए पैसे भेज दिए थे इसलिए हमने 10 स्पॉन्सर्ड प्रचारक खड़े कर लिए, ऐसा नहीं है। हमारे लिए रशिया ने, सोवियत यूनियन ने पैसा भेज दिया था इसलिए हमने एक एनजीओ बना के 20 झोले वाले खड़े कर लिए, ऐसा नहीं है। एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है, गांव से शहर से निकले हुए युवा है जिन्होंने ये बागडोर संभाली, 7 चीजों पे सामने काम किया। अगर हम सब भी इन 7 चीजों पे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आखिरी है, इसके बाद आपके प्रश्न लेते हैं। तो जो 7 पिलर्स है संघ के, जो खड़ा मतलब वो जो संघ के 7 पिलर है जो वो अपने कार्यकर्ता में देखना चाहते हैं, उसमें पहला है सत्य दृष्टि, दूसरा है एम्पैथी, हमारे अंदर सहानुभूति का भाव, किसके प्रति सहानुभूति, समाज के प्रति सहानुभूति, तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा दायित्व है, हमें ऐसा करना चाहिए। क्या क्या हमारे दायित्व है, हमारे व्यक्तिगत दायित्व के अलावा, पारिवारिक दायित्व के अलावा हमारे समाज के प्रति क्या दायित्व है। चौथा है बिहेवियर, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। पांचवा है यूनाइटिंग सज्जन शक्ति, सज्जन शक्ति। अभी आपने देखा होगा कभी कभी संघ जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर भी कार्यक्रम करता है, कभी आप देखते होंगे भारतीय योग संस्थान के साथ मिलकर भी कार्यक्रम करता है, कभी आप देखते हैं कि सदगुरु के साथ मिलकर भी कार्यक्रम करता है, कभी आप देखते हैं कि संघ जो है सेवा इंटरनेशनल तो खैर उनकी अपनी संस्था है लेकिन यूरोप की किसी संस्था के साथ में, संघ का क्या सोचना है, संघ का सोचना है कि सारा अच्छा काम हम करेंगे ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम करने वाला है उसमें हाथ लगाना भी अच्छा काम है। तो यूनाइटिंग सज्जन शक्ति, आखिरी सेकंड लास्ट है मोरालिटी, और सबसे लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी का एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं, इस एग्जांपल के साथ अपनी आज की बात समाप्त करूंगा। जब संघ की शुरुआत हुई तो डॉक्टर साहब के पास मुंबई के कुछ लोग आए और उन्होंने आके बोला, डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर हेडगेवर, उनके पास मुंबई के कुछ लोग आए और उन्होंने आके बोला कि ये देखिए हमारी वो निकलती है जुलूस निकलता है हिंदू समाज का और ये हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं और आप संघ के कुछ लोगों को भेजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने संघ इसलिए नहीं बनाया कि मेरी सेना वहां जाके ठीक करेगी, मैंने इसलिए बनाया कि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सके, आप अपने हित की रक्षा स्वयं कर सके, हिंदुत्व की रक्षा स्वयं कर सके। तो ये जो थॉट है वो कहते हैं कि सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, मतलब संघ का समाज नहीं समाज का संघ। तो हर तरह के अच्छे लोगों को इकट्ठा करना, ये संघ के 7 पिलर है जिस पर आरएसएस ने काम किया। तो ये हमारे लिए प्रेरणा चाहिए, तो मैंने अपना विषय रखा एकेडमी वाली बात पे, आप सारे लोग जरूर काम करेंगे और जब आप लोग एकेडमी में कहीं पहुंचे अध्यापक बने तो मुझे आप एक मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मुझे लगेगा कि आज का मेरा सत्र जो है वो सही जगह। तो आप में से किसी के कोई प्रश्न हो तो फटाफट पूछ सकते हैं। हाँ बोलो, तीन प्रश्न करेंगे, बाकी अपन ऐसे व्यक्तिगत में चर्चा कर लेंगे। So, as you know, मैं वैसे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने SSC पढ़ाया है जो आपने कहा।
और ये जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस आ गई, बहुत हम परेशान हो गए थे, आपके समझिए हम खुद कितने परेशान हैं, कितनी चिंता हो रही है इस बात की, कुछ नहीं है। आप अपना विषय रखिए, वो सुनेगा, वो और वो सुनेगा भी, और वो आपकी बातें सुनने के बाद घर जाके देखेगा भी। सही कह रहा था मास्टर। लेकिन हमें हमें ये जो आपने बात बोली ना, ये जो आज सुबह पंकज जी ने बात बोली, आप समझ रहे हैं कितनी गिल्ट में हम, कहीं हमने अयम नीचा पर्वेदी करना लग जाए, इंसान बोल गया तो कहीं उसे बुरा ना लग जाए। क्यों लग जाएगा बुरा, हमने क्या गलत बोला, हमने थोड़े बोला काफिरों का मारो। हमारी बात सही है, ये बात को हमें भरोसा करना पड़ेगा। एक तो ये बात है, दूसरा मेरे साथ भी ये वाली प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप मैंने बोला ना, do not present it as a religion, present it as a universal thought, है ना? जब आप एक universal thought की तरह विषय रखेंगे ना, और आप इंग्लिश पढ़ाना बंद करो, इंग्लिश के मास्टर बहुत है इस देश में, आप ह्यूमैनिटीज पे काम करो, बढ़िया काम करो, बहुत जरूरत है, ह्यूमैनिटीज के अच्छे टीचर है नहीं कामेश जी, उस पर काम करो। ऐसा ये समानता और समरसता हम इस देश में किसे समानता और समरसता। देखिए समानता तो एक बहुत जनरल टर्म है, जिसे हमने बोल दिया इक्वालिटी, सभी बराबर, उसमें सब आ गए, उसमें महिला पुरुष वाली बात भी आ गई, उसमें छोटे बड़े वाली बात भी आ गई, उसमें धनवान और ये है ना, ये सब बातें आ गई। ये इक्वालिटी तो एक बहुत जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है, वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल में भी आ गया। लेकिन जब मैं बोलता हूँ समरसता, तो समरसता जो टर्म है वो डेडिकेटेडली ये जो जातिगत भेदभाव है उसके लिए लाई गई टर्म है। जब एक व्यक्ति, एक हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, किसी दूसरे हिंदू धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति से मिलते समय, उसे गले लगाते समय, आलिंगन करते समय, उसके साथ कोई संबंध करते समय, उसके घर पे भोजन करते समय, उसे अपने घर पे बुलाते समय किसी प्रकार का भेद नहीं करता, तो उसे समरसता कहेंगे। और ये समरसता वाले विषय पर एक बात मैं आपको और कहूंगा, कभी आप नोटिस कीजिएगा, जब कभी आपसे कोई लेफ्टिस्ट मिले, जब कोई आपसे कोई लिबरल मिले और वो आपसे समरसता की और जातिगत भेदभाव की बात करे, तो आप उससे ये बात पूछना कि जब किसी के साथ जातिगत भेदभाव हुआ, उसका प्रोपेगेंडा बनाने के अलावा तुमने आज तक किया क्या? कितने गांवों में जाके तुमने समान समाज के और दलित समाज के, सो कॉल्ड दलित समाज के, मैं उन्हें दलित समाज नहीं कहता, सो कॉल्ड दलित समाज के कुओं को एक करवाया, कुएं अलग अलग है, कितनों के मंदिर तुमने एक करवाए, कितनों के शमशान तुमने एक करवाए? वो एक्चुअली विषय यह है कि वो इसे करने ही नहीं देना चाहते। अगर आपने ये कर दिया तो उनका तो पूरा एजेंडा खत्म हो गया, उनको तो आपने निपटा दिया, इसलिए वो चाहते हैं ऐसा हो। बहुत दिनों से यार कोई भेदभाव नहीं हुआ यार, ट्विटर ट्विटर पे क्या ट्रेंड करवाए यार, कोई सही से भेदभाव करवाओ बढ़िया सा, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन और भी अगर जब हम संघ की बात करते हैं, जिसको हम कटघरे में खड़ा करते हैं, ये तो साफ ब्राह्मणवाद और इस तरह के टर्म्स लेकर आते हैं, लेकिन जब हम संघ की बात करते हैं, तो आप, मैं अपनी नजरों से अपने आप इसका हिस्सा रहा हूँ, मेरा विषय रहा है समरसता। एक पुस्तक आप लोग भी पढ़ सकते हैं, संघर्ष महामानव, उस पुस्तक को पढ़िए आप, ये विषय मुझे भाई साहब ने तैयार करवाया कुछ साल पहले, संघर्ष महामानव का नाम की पुस्तक है, और संघ के बड़े विषयों में से एक है समरसता। तो वहां पर हमें जैसे समाज के बड़े वर्ग को जाना रहता है, उनके घर पे भोजन करना है, उन्हें अपने घर बुलाना है। जब मैं बहुत छोटा था, मैं 6th क्लास में रहा हूँ, तब संघ की गतिविधि होती है, अगर कोई गया उसमें, उसे बोलते हैं वन संचार। गया कभी कोई वन संचार में? गया वन संचार, ठीक। वन संचार में क्या होता है, सब लोग जाते हैं, अपना अपना टिफिन लेके जाएंगे और जंगल में घूम के आएंगे सब लोग, ठीक, पिकनिक मनाने जाएंगे, वहां पे अपने खेल खेलेंगे और आएंगे। लेकिन उसमें बड़ा बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट कि सबके टिफिन लिए जाएंगे और उन टिफिन को मिक्स कर दिया जाएगा, होता था ऐसा, सबकी सब्जियां मिक्स कर दी, सबकी रोटियां मिक्स कर दी, अब ये जो मिक्सचर बना ये परोसा जाएगा। क्या थॉट है इसके पीछे? जबरदस्त है, बचपन में समझ नहीं आता था, लेकिन जो एकदम वास्तव में ग्राउंड लेवल पर जाकर हिंदू समाज के लिए जो किसी ने काम किया, तो ये काम किया और किसी ने नहीं किया, और उन्होंने तो केवल प्रोपेगेंडा बनाया, सरकारों को कोसा, ज्यादा किया तो ब्राह्मणों को कोस दिया, ज्यादा किया तो वेद को कोस दिया, ज्यादा किया तो मनुस्मृति को कोस दिया, ठीक, किसी ने नहीं किया।
ठीक करने में किसी का ध्यान नहीं, संग्रह का ध्यान। तो समरसता एक बड़ा विषय है, अगर हमारी प्रैक्टिस में समरसता दिखेगी तो ये बड़ा विषय है, इस पर अपन सबने काम करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अनुग्रह करूंगा आदेश जी से वाके मंच पे जितेश गुवेस्टी का स्वागत करेंगे।